अब प्रकृति की यही सुंदरता है कि सभी लोग क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, समझ में आएगा। और इसी को क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता। अब आप खुद सोचो, मान लो सभी को एक ही तरह की चीज पसंद आती तो दुनिया कैसी रहती, लाड मजा नहीं आता। लेकिन हर जगह अभी आप यहाँ से घूमने निकल जाओ और आपको पता है कि आजकल आपने देखे होंगे कि लोग है वो ट्रेवलर बहुत ज्यादा, ट्रेवल बहुत ज्यादा कर घूम रहे। यूट्यूब पर देखो, कोई साइकिल लेके निकल गया दुनिया के टूर पर। एक अभी वो अभी उसका बहुत तेजी से चैनल ग्रो कर रहा है, उसका मैं नाम तो मुझे पता नहीं है, ट्रेवलर है जो कि साइकिल लेके घूम रहा है और उसके साइकिल के पीछे से यूट्यूब के लोगो वगैरह सारे लगाए हुए हैं और उस पे लिखा हुआ है जीरो बजट ट्रेवल। वो मतलब फ्री में घूम रहा है, जहाँ कहीं जाता है तो कोई खाना खिला देता है, किसी से वो लिफ्ट मांग लेता है, ऐसे ऐसे चलता है, समझ रहे बात। तो ऐसे एक पैदल भी घूम रहा है, एक सिर्फ लिफ्ट के लिफ्ट से घूम रहा है, धर्मशाला में उतर ऐसे देखता है, दुनिया देखता है। तो ऐसे लोग क्या करते, ट्रेवल करते। ट्रेवल क्यों करता है इंसान, क्यों? क्योंकि उसको डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग तरीके की बिल्डिंगें, संस्कृति, कला, वहाँ का इतिहास, वहाँ की प्रकृति। अभी आप कहीं पर भी जाओ और अपने ही तरह का एरिया मिले लंबे चौड़े दूर तक और अपने ही जैसे लोग हैं, तो फिर आदमी क्या देखेगा, समझ में आई बात। तो कहने का मतलब है ये जो डिफरेंट डिफरेंट आप देख रहे हो, यही इस प्रकृति की क्या है, सुंदरता। समझ में आ गई बात। तो व्यक्तिगत विभिन्नता को लेकर अपन बात करेंगे, मतलब संसार में प्रत्येक प्राणी रंग रूप आकार प्रकार गुण मानसिक शारीरिक इन सब के आधार सामाजिक, तो इन सब के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार का होता है और इसे ही क्या कहते हैं, इसके बारे में लिखना शुरू करें कि व्यक्तिगत विभिन्न संसार में प्रत्येक प्राणी, हाँ ऑटिज्म कंप्लीट हो गया, हाँ ऑटिज्म क्या क्या नए पेज से लिख लो। एक दूसरे संसार में प्रत्येक प्राणी एक दूसरे से भिन्न होता है, एक दूसरे से भिन्न होता है, अर्थात प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है, अर्थात प्रत्येक एक बालक विशिष्ट होता है। इस अंतर को ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं, इस अंतर को ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं, को ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं, को ही व्यक्तिगत विभिन्नता, शाबाश, कोई व्यक्तिगत, वाह क्या बात, कोई व्यक्तिगत व्यक्तिगत विभिन्नता नैतिक पक्षों के आधार पर समझी जा सकती है। पक्षों के आधार पर समझी जा सकती है, जिसका मूल आधार वंश क्रम भी माना जाता है। इसको मैं समझाऊंगा और उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज को अंडरलाइन भी करूंगा। देखो संसार में प्रत्येक आदमी क्या है, एक दूसरे से भिन्न भिन्न है और प्रत्येक आदमी अपने आप में विशिष्ट है। इस अंतर को ही क्या कहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता। ये तो व्यक्तिगत विभिन्नता की क्या आ गई बारे में डेफिनेशन आ गई। अब देखो व्यक्तिगत विभिन्नता कैसे कैसे हो सकती है, देखो शारीरिक आधार पर, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कैसे, ये शारीरिक आधार। मानसिक आधार पर, कोई बुद्धिमान है, कोई सामान्य बुद्धि का, कोई तीव्र है आत्म बुद्धि का, ऐसे मेंटली भी वो आदमी डिफरेंट डिफरेंट। संवेगात्मक रूप से, संवेग जो आपके दिलो दिमाग में उड़ते हैं उसके आधार पर भी आदमी अलग अलग है। किसी को जल्दी गुस्सा आता है, कोई बहुत सहनशील होता है,
है कि नहीं, कोई बहुत भावुक होता है, ऐसे स्वयं भी अपने भिन्न भिन्न है। सामाजिक आधार पर भी कई आदमी है वो क्या होता है जल्दी घुल मिल जाता है, कई आदमी ऐसे होता है मुंह फुलाए बैठे रहता है, तो ऐसे आदमी बहुत ज्यादा नैतिक होते हैं, बहुत ज्यादा संस्कारी होते हैं, हर चीज की केयर करते हैं, कई ऐसे होते हैं जिनमें नैतिकता का अभाव पाया जाता है, गाली गलौज लैंग्वेज से। इन सभी पक्षों के आधार पर अपन व्यक्तिगत विभिन्नता को समझ सकते हैं। और व्यक्तिगत विभिन्नता का मूल आधार है वो है वंश क्रम। वंश क्रम मतलब अपने पूर्वजों की देन है कि अपन सभी डिफरेंट डिफरेंट। तो ये जो लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है, दिस इज वे आधार क्या है, वंश क्रम। समझ में आ गई बस। अब अपन लिखेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता को लेकर महत्वपूर्ण परिभाषा। तो अगला पेज निकालते हैं या इसी को ऊपर कर देता हूं, ठीक है, ताकि आप साथ के साथ लिख पाओ। अब इसको लेकर आए परिभाषा। परिभाषाएं सिर्फ महत्वपूर्ण लिखेंगे, ये नहीं कि हर किसी की परिभाषा उठा के लिखी, ऐसा बिल्कुल नहीं। लिखो परिभाषाएं, परिभाषा। और परिभाषा में सिर्फ एक ही फेमस है, चीज जिसको आप माप सकते हो, जिसका आप मूल्यांकन कर सकते हो, वह सभी गुण जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है, वो व्यक्तिगत विभिन्नता के दायरे में आते हैं। कैसे? ये व्यक्तिगत विभिन्नता से अभिप्राय व्यक्ति के उस प्रत्येक गुण से है, व्यक्ति के उस प्रत्येक पहलू से है जिसका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है, जिसका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। मतलब आपके अंदर का वो प्रत्येक गुण जिसको माप सकते हैं और जिसका व्यक्तिगत विभिन्नता को क्या करता है, डिफाइन करता है, जिसका मापन वे किया जा सकता है या मापन में मूल्यांकन होता है। जिसका मापन वे मूल्यांकन होता है। चलो ये लिखो, ठीक है। अब देखो स्किनर ने क्या कहा था कि प्रत्येक गुण जिसका मापन और मूल्यांकन कर सकते तो वो किसके अंतर्गत आता है, व्यक्तिगत विभिन्न। दो शब्द ध्यान रखना, मापन और मूल्यांकन, ये चीज है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला आता है व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक। अच्छा लिख रहे हो क्या कि व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक या व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण क्या क्या है, किस किस वजह से आदमी है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। समझ में आई बात? वो चीजें लेंगे सारी की सारी। शिक्षा है, आपको जो एजुकेशन मिलती है, हो सकता है किसी को कम एजुकेशन मिली, आपको ज्यादा मिली, तो भी आप दोनों क्या हो जाओगे, डिफरेंट हो जाओगे। बुद्धि के आधार पर भी डिफरेंट हो सकते हो, आपके परिवार का जो वातावरण है उसके आधार पर भी हो सकते हो, वंश क्रम आपके पूर्वज थे उनके पूर्वज थे उस आधार पर भी हो सकते हो, आदमी डिफरेंट। आपने एक चीज देखा होगा, जैसे जो लोग बॉर्डर पर है वो मजबूत है, पहले जो आक्रमण होते थे उत्तर की साइड से वो इधर आपके हनुमानगढ़ पंजाब वगैरह ये साइड थे, ये हर दम क्या झेलते थे, अटैक झेलते थे, इस वजह से यहाँ के लोग आज के दिन भी क्या है, बहुत मजबूत। तरफ जाना नीचे की तरफ आपको कितने लोग मिलेंगे, ठीक है, कितने मजबूत नहीं, क्योंकि उनको वो भौतिक परिस्थितियां वैसे थी नहीं कि वे उनको वैसा कुछ काम करना पड़े, अपने आप को मजबूत रखना पड़े। समझ में आई बात? आगे बढ़ते व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण कि भाई किस किस कारण से आदमी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण। देखो
पहली चीज, आप अपने घर वालों की वजह से डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, आपके घर वालों के वजह से, वंश कर्म की वजह से क्या होते हैं आप डिफरेंट डिफरेंट। नंबर दो, हो सकता है आपको अलग वातावरण मिला वजह से भी आप लोग क्या हो सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हो। नंबर तीन, आपको जो बुद्धि दी है भगवान ने, किसी को कम दी किसी को ज्यादा दी, बुद्धि के आधार पर भी आप भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकते। हो सकता है किसी को शिक्षा मिली नहीं, किसी को कम मिली किसी को ज्यादा मिली, आप शिक्षा के आधार पर भी भिन्न भिन्न हो सकते हो, ठीक है। और क्या होता है, आर्थिक स्थिति, हो सकता है कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, किसी की कमजोर हो, तो इस आधार पर भी आदमी भिन्न भिन्न हो सकता है, ठीक है। और क्या होती है, और तो वैसे देखो नंबर छह, जाति प्रजाति के आधार पर भी, आपने देखा होगा कि किसी जाति विशेष के लोग मजबूत होते हैं, किसी जाति विशेष के कम होते हैं, ठीक है। लिंग भेद के आधार पर भी, लिंग के आधार पर भी देख लो, गर्ल्स और बॉयज में क्या व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। नंबर आठ, देश, देश मतलब वे जगह, वो स्थान जहां पर आप रहते हो, जगह स्थान, इसके आधार पर भी व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। पंजाब साइड के मजबूत होते हैं, नीचे की तरफ जाना अलग टाइप के मिलेंगे, पहाड़ी लोग होते हैं वो टिकने होते हैं, ऐसी चीजें मिली। नंबर नौ, मैदान, मैदानी भाग होता है ना, मैदानी भाग के आदमी होते हैं वो लंबे होते हैं, पहाड़ों के क्या होते हैं नाटे होते हैं, छोटे होते हैं। तो ये हो गया। अब आयु के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, एक 10 साल का, एक 15 साल का, भिन्न भिन्न टाइप के होंगे। और नंबर 10, परिपक्वता के आधार पर भी होता है। और नंबर 11, ग्रहण क्षमता, आप किसी चीज को कितना जल्दी एडॉप्ट करते हो उसके आधार पर भी आपका व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं हैं वो आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, खेल मैदान है ये भी आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है, और इसको इम्पोर्टेंट करना, ये यूनिक टाइप का ही है, ठीक है ना। और ये पूछ लेता है, ये साइड में से निकल जाता है। देखो ग्रहण क्षमता का क्या होता है भाव, आपने देखो एक व्यक्ति में अनुग्रह का भाव होता है, तो आपने कभी देखा होगा कि कई कि, किसी किसी के घर वालों का नेचर अलग टाइप का रहता है तो भी उनके बच्चे बहुत अच्छे रहते हैं, तो कारण क्या है, बच्चों में अनुग्रह का भाव है। जैसे वो किसी गुरु के पास या किसी के पास भी बैठते हैं तो वो अच्छी चीज़ों को जल्दी से क्या कर लेते हैं, एडॉप्ट कर लेते हैं, इस वजह से वो क्या हो जाते हैं अपने मम्मी पापा से डिफरेंट हो जाते हैं। तो ग्रहण क्षमता के आधार पर भी आदमी अलग अलग प्रकार के। अब आगे की जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बताता हूँ। वुडवर्थ ने क्या कहा था, लिखा ही नहीं क्या, चल यहाँ पे लिख देता हूँ। वुडवर्थ ने क्या कहा था, एक परिभाषा थी वुडवर्थ ने, वुडवर्थ ने कहा था कि जो व्यक्तित्व होता है ना वो क्या होता है, वंश कर्म और वातावरण दोनों का क्या होता है, मिला जुला रूप होता है। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व है कि वंश कर्म, किस वंश में पैदा हुआ और पैदा होने के बाद उसको कैसा वातावरण मिला, इससे क्या होगा आपको आदमी का व्यक्तित्व मिलेगा। मान लो कोई पैदा तो पंजाब वालों के यहाँ हुआ लेकिन वो जाके वहां पे उत्तराखंड में रहने लगे, पहाड़ों में रहने लगे। हो सकता है कोई पैदा तो यहाँ हुआ, साउथ में पैदा हुआ, वहां पे चावल वगैरह खाते हैं उनके साथ सभी के सभी, और उधर उनके पैदा हुआ लेकिन उसको लाके इधर छोड़ दिया, हरियाणा वालों के साथ ही पला बड़ा, तो इससे उनका व्यक्तित्व प्रभावित होगा कि नहीं होगा। तो वंश क्रम और व्यक्तित्व दोनों से क्या होता है, आपका वंश क्रम और वातावरण से क्या बनता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात देखो, जो इंपोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। पहले वो इंपोर्टेंट आया कि व्यक्तित्व का मूल आधार क्या है, वंश क्रम लिखा है। अब ये कारक है ये सारे ही इंपोर्टेंट है वैसे तो, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है, खेल मैदान। अब नंबर आगे की बात, ये वुडवर्थ वाला है, दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कि वुडवर्थ के अनुसार फिर ऑप्शन ए, वातावरण बराबर व्यक्तित्व इनटू ये, ऐसे घुमा घुमा के। अब एक नोट लगा कि एक स्पेशल चीज है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में सबसे पहले बताया किसने, तो फ्रांसिसी गाल्टन ने 19वीं शताब्दी में सबसे पहले किसके बारे में बताया था, व्यक्तित्व के बारे में। समझ में आई क्या बात, तो इस चीज का आपको क्या रखना है, विशेष ध्यान रखना है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है, तो लिखते हैं अभी इसको, लिखना शुरू कर देते हैं। फ्रांसिसी गाल्टन ने
किसी गार्डन में, सर में पढ़ता हूँ, मैं सर में पढ़ता हूँ, गार्डन में सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी में, सर्वप्रथम 19वीं सदी में व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में बताया। सदी में व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में बताया। व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में ये दिस इज वेरी इंपोर्टेंट। सर अगला पॉइंट लिखा, फ्रांसीसी गार्टन ने, अगला पॉइंट, फ्रांसीसी गार्टन ने ऐसे बालकों का अध्ययन शुरू किया जो सामान्य बालकों से भिन्न थे। ऐसे बालकों का अध्ययन शुरू किया जो सामान्य बालकों से भिन्न, जो सामान्य बालकों से दिन थे या विशेष लक्षण प्रकट करने वाले थे, या विशेष लक्षण, या विशेष लक्षण प्रकट करने वाले थे। अच्छा, या विशेष लक्षण प्रकट करने वाले थे। वर्तमान समय में ये थ्योरी है, ये लिखता था, इंपोर्टेंट आएगा वहां पर बता दूंगा। वर्तमान समय में प्रतिभाशाली, पिछड़े, मंद बुद्धि, प्रतिभाशाली, पिछड़े, मंद बुद्धि, प्रतिभाशाली, पिछड़े, मंद बुद्धि, असामाजिक या बाल अपराधी, असामाजिक या सामाजिक या बाल अपराधी, ओके, और सर्जनशील आदि प्रकार के बालकों का अध्ययन किया जाता है। वे सर्जनशील बालकों का अध्ययन किया जाता है। पहले इनके बारे में मैं समझाऊंगा कि क्या है क्या नहीं है, उसके बाद में एक एक को अपन करेंगे। बालकों का अध्ययन किया जाता है। इन सभी बालकों को, नीचे वाले पॉइंट्स में लिखना, इन सभी बालकों को समाज के लिए या राष्ट्र के लिए एवं राष्ट्र के लिए विशिष्ट बालकों के रूप में पहचाना जाता है।
अब इनको एक एक करके समझते हैं, ठीक है। इतनी दूर तक डाटा नॉर्मल है, सिर्फ लिखना ही है। अब पहले मैं आपको एक एक सब समझाता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। एक तारीख को टेस्ट है, याद है ना, जितना एक तारीख तक हो जाएगा उतना सबका टेस्ट होगा। सभी लोग टेस्ट जरूर से जरूर देना। हाँ हाँ, ये दे देंगे, सारा ही दे देंगे साथ में, जितना पढ़ा है ना इतना एक साथ ही कंप्लीट हो जितना पढ़ाया। अब देखिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये तो हो गया आपका, ये लिख दो यहाँ से लेकर यहाँ तक में कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल डाटा है, सिर्फ डाटा लिखा है, इसमें से आपको कुछ पूछेगा नहीं, मस्त रहना आप। जहाँ पूछेगा वहाँ बता दूंगा, यहाँ से पूछेगा। लिख रहे हो क्या अभी? कोई बाकी है क्या पूछे? अब देखो पहले मेरी बात सुनो, अपन ने कितने प्रकार के बालकों की बात की, प्रतिभाशाली बालक, ठीक है, उसके बाद में सृजनशील बालक, ये भी ठीक है, सृजनशील बालक आ गए, उसके बाद में अपराधी बालक, अपराधी बालक या असामाजिक बालक आ गए, एक आ गए लाडलो मंद बुद्धि बालक, और एक आ गए लाडलो पिछड़े बालक। ये सभी अलग अलग, तो जिन जिन में कंफ्यूजन है वो मैं आपको बताता हूं। पहला कंफ्यूजन होता है बच्चों को पिछड़े बालक और मंद बुद्धि बालक को लेकर। लाडलो मंद बुद्धि बालक का मतलब है भगवान ने उसको सॉफ्टवेयर दिए ही उतना है, वो मंद बुद्धि है, उसका आईक्यू इतना ही है, वो चाहे कितना ही पढ़े लाडलो उसको वही याद होना है बस, है क्या नहीं, सब कुछ वही है। मतलब कुदरती देन है कि उसका भेजा उतना ही काम करता है, तो ये किस में आएगा? मंद। चलिए अब बात आती है पिछड़े बालक, तो पिछड़ा बालक कौन है? पिछड़ा बालक लाडलो एक प्रतिभाशाली बालक भी पिछड़ा बालक हो सकता है। मान लो एक बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, क्लास में हमेशा टॉप करता था लाडलो, उसका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, फिर वापस वो रिकवर हुआ, ठीक होके 3 महीने बाद स्कूल आया। अब वो टेस्ट में उसके 10 में से 2, 1 नंबर, इतना सारा होमवर्क, ऊपर से बर्डन, मान लो फैमिली में कुछ हो गया, मानो चाहे राह भटक गया लाडलो, क्या हो गया, लेवल डाउन हो गया। तो अब बताओ वो बच्चा किस श्रेणी में आ गया? पिछड़ा बालक। किस में आ गया? तो एक प्रतिभाशाली बालक भी क्या हो सकता है? पिछड़ा बालक। पिछड़ा बालक बोले तो किसी कारण विशेष से वो क्या हो गया? पिछड़ गया। तो पिछड़े बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है, एक्स्ट्रा क्लास लगा के उनका जो जो छूट गया है पीछे पार्ट, उसको रिकवर करवाते हुए बूस्ट करके उसको क्या लाया जाता है? मुख्य धारा में या लेवल पर बच्चे को लाया जाता है। ये बच्चे होते हैं पिछड़े बालक। और जो नेचुरली डम है, ठीक है लाडलो रोजाना बैठा रहता है फिर भी मामला डावाडोल है, तो वो किसमें आएगा? मंद बुद्धि। अब मंद बुद्धि पिछड़ा, तो क्लियर है ना? तो पिछड़ा बालक कोई भी हो सकता है, चाहे कोई प्रतिभाशाली है, सृजनशील है, कैसा भी बालक है, वो पिछड़ा बालक हो सकता है। अब मंद बुद्धि ये हो गई। अब बात आती है प्रतिभाशाली सृजन, इसमें भी कंफ्यूजन। प्रतिभाशाली का मतलब होता है लाडलो जैसे किसी भी चीज को हूबहू प्रकट कर देने की कला, जैसे मान लो आपको लिखाया, आपने लाडलो छाप दिया है, जैसे जैसे याद कर दिया, ठोक दिया, छाप दिया, आप एनालिसिस भी कर सकते हो, लेकिन आपके पास कुछ नया नहीं, समझ रहे बात? तो एक प्रतिभाशाली बालक सृजनशील हो सकता है, हो सकता है कि वो प्रतिभाशाली बालक है, उसमें सृजनात्मकता हो, क्रिएटिविटी हो, और नहीं होगी तो भी चलेगा, वो ब्रिलियंट है, वो ब्रिलियंट रहेगा लाड, समझ में आई बात? जैसे एग्जाम होते हैं, अब एग्जाम में आपको नया क्या आता, मान लो नया कुछ नहीं आता, 11th 12th के कोई एग्जाम थे, NCERT बढ़िया तरीके से घोट के रट्टा मार के छाप दी, आप प्रतिभाशाली की श्रेणी में, आप ब्रिलियंट हो, जीनियस हो, आपको जो चीज सिखाई जाती है उसको याद करके लर्न करके आप हूबहू प्रकट कर सकते हो। अब मान लो आप जीनियस, और जीनियस होने के साथ साथ आप में सृजनात्मकता है, लाड लो आपने फॉर्मूले देख देख के कोई नया फॉर्मूला निकाला, ठीक है, एग्जाम में कोई आउट ऑफ द सिलेबस कोई क्वेश्चन आ गया तो आपने अपने कॉमन सेंस के आधार पर उसको बढ़िया तरीके से डेकोरेट किया, तो आप प्रतिभाशाली और सृजनशील दोनों होंगे, राइट। अब बात आती है सृजनशील बालक की। हो सकता है कि कोई बालक प्रतिभाशाली नहीं है लेकिन वो सृजनशील है, के वो आपने देखा होगा पढ़ाई में जीरो है, ज्यादा पढ़ाते हैं, ज्यादा नहीं बैठता, उनका सारा सिस्टम अपना ही, वो कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव करके कुछ नया निकालते हैं,
और शानदार बूस्ट कर जाते हैं अपनी जिंदगी में। उनके पास सृजनात्मकता, कोई प्रॉब्लम दो उनके पास सॉल्यूशन। प्रतिभाशाली बालक के पास जरूरी नहीं है कि वो हो प्रतिभाशाली, के ठीक है मैंने इतना पढ़ा लिखा है इसमें से कुछ है तो मैं कर देता हूँ, मैंने ट्रेनिंग ली है सीखा है तो कर देता हूँ। आपने कई कई बच्चे देखे होंगे घर में कुछ ना कुछ रहता है, चलो उसको पूरा खोल के देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। आप बचपन में बैटरी वाली कार ला कर उसको सीधा ही उससे चलाते थे, दूर से तार लगा के बाहर, वो क्या है सृजनात्मक। कईयों को देखा होगा कि वो क्या करते हैं, वो जैसे वो पंखा घुमा के जैसे छोटा सा बल्ब जलाते हैं, ठीक है ये क्या है, ये सृजनात्मक। सृजनात्मकता लाडलों कूट कूट के भरी होती है कईयों में, और जरूरी नहीं कि वो क्या हो प्रतिभाशाली। सृजनात्मकता के दम पर लोग बहुत ही अलग टाइप से रिएक्ट करके आगे निकलते हैं। आप देखो ना कई कई बड़े बड़े यूट्यूबर हैं और कई मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने अपने फील्ड में, उनमें क्या है उनमें सृजनात्मकता। आप मिस्टर इंडियन हैकर का देखते हो उसमें क्या है, उसमें क्रिएटिविटी है कुछ नया करने। अभी आपने एक वो फ्रॉड सुना है क्या, बहुत बड़ा नाम है महादेव बुक करके आता है, ठीक है उड़ीसा की साइड ऐसे थे वो क्या करते थे क्रिकेट का एक बुक चलाते थे जैसे बुक चलाते ना वैसे, तो वो क्या करते थे शुरू में जूस बेचते थे, दो दोस्त थे वो जूस बेचते थे, लेकिन उनके जन ऐसे दिमाग में हर रोज कोई ना कोई बैठे बैठे का आइडिया क्लिक कर जाता, तो आइडिया को अब इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता लाड लो, समझ में इम्प्लीमेंट करते लाड लो पैसे लगते, सीधी बात है इम्प्लीमेंट किया छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया 1,000-2,000 गए, किसी में 10,000 गए किसी में 5,000 गए, ऐसे करते करते लाड लो वो 10 लाख रुपए के आ गए लॉस में। फिर उनके दिमाग में कोई क्रिएटिव आइडिया आया कि क्रिकेट के मैच में लोग इतना पैसा लगाते हैं इतना जुनून है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई शॉर्टकट होगा अपने को वो एरर फाइंड आउट करना, और साथ में दिन में जूस बेचते रात को दिमाग लगाते लाड लो कि क्या है क्या नहीं, ठीक है इन्वर्टर गया चलो कोई बात नहीं ये इतना कोई बात नहीं, इसका मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ, मैं समझा दूंगा आपको थोड़ा और उसके बाद आगे अपन पर्सन का ले लेंगे सेशन। तो उसमें क्या हुआ उनको ऐसे आइडिया आया कि अपन क्या करते हैं, क्या हुआ लाइट आई क्या, क्या थोड़ा बहुत चल रहा है कुछ कुछ चल रहा है लाड लो रुको रुको चला चला हाँ। तो आप ध्यान से सुनिए, उनको आइडिया आया कि अपन क्या करते हैं इसमें से कुछ ना कुछ है ना अपन शॉर्टकट निकालते हैं। तो लाड लो फिर उन्होंने एक ऐप डेवलप किया, ऐप डेवलप करके उसमें से शॉर्टकट निकाला, तो फिर उनको पता चला कि अपन इंडिया में रहते हैं कहीं कभी अपन पर कोई कार्यवाही नहीं हो जाए, इसके लिए लाड लो वो यूएसए चले गए, वो अमेरिका चले गए, यहाँ पे उन्होंने इतना रुपया कमाया कि वो यूएसए चले गए अमेरिका चले गए, उन्होंने अपनी 5,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी जो महादेव बुक के नाम से चलती है। अभी उनके वो छोटा वाला पार्टनर था ना, तो वो अभी थोड़े एज में हो गए थोड़े बड़े हो गए, तो उन्होंने उस छोटे वाले की शादी की, तो छोटे वाले की शादी की दुबई में, तो दुबई के अखबार और मैगजीन्स में महादेव बुक वालों की शादी दी की। लाड लो यहाँ से जो बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस होते हैं ना नेहा कक्कड़ वगैरह इनको ले जाकर वहाँ पे नचाया अपनी डांस पार्टी वगैरह में, 200 करोड़ रुपये खर्च किए थे उन्होंने, ठीक है मात्र 4-5 सालों में किया सारा कुछ। लेकिन है क्या उसमें सर्जना क्या होती है लाड लो उनमें क्रिएटिविटी होती है, लाड लो कूट कूट के भरी हुई थी उनमें क्रिएटिविटी। तो ये बात समझ में अब आता है लाड लो एकमात्र अपराधी बालक। अपराधी बालक के देखो कुछ मैं लक्षण बता देता हूँ जिनकी नसें उभरी हुई होती है, यहाँ से नसें उभरी हुई होती है जोश है वो कूट कूट के भरा होता है, आक्रामक होते हैं हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, लड़ाई भिड़ाई में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं और इंटरेस्ट भी इसी में ही रखते हैं, कहीं लड़ाई का कोई वीडियो होगा तो उसको देखेंगे, मार काट के वीडियो ज्यादा देखते हैं, इस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है, वो सारे किसमें आते हैं अपराधी बालक आते हैं, समझ में आई ना बात। तो ये असामाजिक की श्रेणी में भी, असामाजिक चीजें क्या है वह जो चीजें समाज में मान्य नहीं है वो क्या है। अब आपको पता चला क्या कि ये सभी अलग अलग है, तो प्रतिभाशाली बालक का अपन पॉइंट नंबर एक लगाएंगे, प्रतिभाशाली बालक एक पेज में सिर्फ प्रतिभाशाली, दूसरे पेज में सिर्फ सृजनशील, फिर अपराधी मंद बुद्धि एंड पिछड़े। इसी के साथ आपका ये व्यक्तिगत विभिन्नता वाला ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। तो प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से अन्य बालकों से श्रेष्ठ है वो क्या हो गए प्रतिभाशाली। चल तो हेडिंग लगा दो प्रतिभाशाली बालक और छोड़ दो, हेडिंग लगा के छोड़ दो प्रतिभाशाली बालक, हाँ हेडिंग लगा के छोड़ दो, उसके बाद अपन एक क्वेश्चन का सेशन लेंगे। ये इसमें पिछले सालों के आए हुए क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा कि आपको कौन कौन से हैं, क्या क्या पूछा गया है, क्या पूछा जा रहा है, पर्सन करते हुए अपने को
टाइम हो गया अपन ने प्रश्न किए ले। मैं पर्सन पूछूंगा और जवाब देना है आपको, मैं देखूंगा कि आप कितने पढ़ते हो या मुंह उठा के आ जाते हो। ऐसे पूछना शुरू करूं, ओरली जवाब देना है, दिमाग लगाना, सोच समझकर प्रत्येक क्वेश्चन का 10 सेकंड बाद में आंसर देना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है एमपी टेट 2019 में पूछा हुआ सवाल है। अभी मैं जो सवाल पूछूंगा वो व्यक्तित्व से संबंधित है, व्यक्तिगत क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति जो अधिक खुला, मिलनसार, उद्यमशील, हंसमुख और काफी आत्मविश्वास वाला है वो किस श्रेणी में आएगा। ऑप्शन ए अंतर्मुखी, ऑप्शन बी अंतर्मुखी बहिर्मुखी, ऑप्शन सी बहिर्मुखी और ऑप्शन डी उभयमुखी। बहिर्मुखी व्यक्ति, बहिर्मुखी व्यक्ति है। अब अपन बहिर्मुखी को लेकर करते हैं लार्ड और डिस्कस। मुझे बताओ अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार किसने दिया, किसने दिया अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का? ये दिया था किसने दिया? जुंग ने, जुंग ऑब्लिक युंग। जुंग और युंग ने क्या दिया था? व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए थे, कौन से? और अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो चलो ये हो गया, ये मैंने पूछ लिया आपसे, आगे बढ़ते हैं। बेलक था ना, बेलक, बेलक को जानते हो? बेलक आया था। अब ये नहीं जानते ना तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। बेलक ने व्यक्तित्व मापन के लिए बालकों के प्रसंग बोध परीक्षण हेतु एक आयु वर्ग रखा। सेकंड ग्रेड 2019 में आया हुआ सवाल है, सेकंड ग्रेड 2019 में सवाल पूछा गया कि जो बेलक ने एक्सपेरिमेंट किया, परीक्षण दिया, उसमें बच्चों के व्यक्तित्व का क्या किया जाता है, उनका मापन किया जाता है व्यक्तित्व का। तो उसने से एक विशेष आयु वर्ग के बच्चों के लिए बनाया था, तो वो किसके लिए बनाया? 5 से 10 के लिए बनाया, 3 से 10 के लिए बनाया, 2 से 5 के लिए बनाया या फिर 0 से 5 के लिए? 3 से 10। वेरी गुड, सेकेंड ग्रेड 2019 में आया हुआ सवाल, ठीक है। और पूछते हैं आपसे, आपने कितना पढ़ रखा है? रोसा, हरमन रोसा था, नाम सुना हुआ है हरमन रोसा, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि हरमन रोसा ने कितने कार्डों पर विभिन्न रंग थे, हरमन रोसा ने जो परीक्षण दिया उसमें बहुरंगी कार्डों की संख्या कितनी थी? डगड़ियां ले रानी पड़ी, 3 3। देखो मैं बताता हूं टोटल कार्ड कितने थे, 5 कार्ड सिर्फ एक ही कलर के थे, काला रंग। सफेद रंग किसका रंग था? कागज का रंग। 2 कार्ड थे लाल प्लस काला प्लस सफेद, तो उसको क्या कहते हैं? कत्थई रंग के कार्ड थे। 3 कार्ड कैसे थे? बहुरंगी कार्ड थे। ओके, ये सवाल पूछा है आपका पीटीआई 2019 में, हरमन रोसा के परीक्षण में बहुरंगी कार्डों की संख्या कितनी थी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि हरमन रोसा कहाँ का था? स्विट्जरलैंड का। वेरी गुड, साथ साथ ऐसे और इसको क्या करो, रिपीट करो, ज्यादा ज्यादा याद होगा, लाड लो। चलो आगे बढ़ो, अब मुझे बताओ बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT चाइल्ड एफिशिएंस टेस्ट, बाल अंतर्बोध परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी थी? हैं? ओ एंटिटी 2019 में आयोडो सवाल है, एंटिटी काई में दांटा है, पहली दा बताओ कितना जना जान है एंटिटी काई में, काई में एंटिटी, एंटिटी व्या करे ज्ञान प्राथमिक स्कूल में ना, ब्यानी ब्यानी पूर्व प्राथमिक स्कूल में याद करे, पूर्व प्राथमिक मतलब पहली हूं नीचे नीचे का टीचर बनिया करे, बे एंटिटी को डिप्लोमो करिया करे। बी में वो सवाल आयो कि सीएटी वाले परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी थी? आगे बढ़ो, अगला रीट 2018 में आया हुआ सवाल, रीट 2018 में सवाल पूछा गया था लेवल 1 में,
कि मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो इड पर हावी रहता है, यह सिद्धांत कहलाता है सुपर ईगो, द्वंद्व, दबाव या आमोद का सिद्धांत। इसमें होगा आमोद का सिद्धांत। आमोद का सिद्धांत मतलब, आमोद मतलब आनंद, सुखदायी गुण चावे, इड इदम माइन काई आग्रह, सुखवादी सिद्धांत को रिया आग्रह बचे, बीमार शारीरिक इच्छा प्रबल रहे और मानसिक इच्छा कम। चलो अगलो सवाल रीट 2018 लेवल 1 में, वो जे नहीं आवे तो पछतान की नहीं आवे, कि अंतर्मुखता और बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न में किसके द्वारा दिया गया है? साइजेंक, आरबी केटल, गोल्डन ऑर्पोर्ट, कॉल रोजर्स। अंतर्मुखिता और बहिर्मुखिता का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? हैंस आइजेंक ने दिया था। ये रीट 2018 में आया हुआ सवाल है। थेमियम निकालो साथ साथ नोट्स व्यक्तित्व वाला। हेरबी माने क्वेश्चन आंसर लिखो बेटा मोगा जो। हाँ अब मैं क्वेश्चन बोलू ना वो निकाल लो फिर आगे यहाँ लिख लेना रीट 2018 ताकि थे वहां तो गलती रिविजन करो जो थान ध्यान रहे वो 2018 में वही में यहाँ। रीट 2015 में सवाल आयो लेवल 2 में। लेवल 2 में सवाल आयो कि केटल द्वारा विश्लेषित किए गए सील के गुणों की संख्या कितनी है? आरबी केटल के अनुसार सील के गुणों की संख्या कितनी है? पहले बताओ कि ना हो। आरबी केटल ने सील के गुणों की संख्या बताई थी। अरे 16 पीए पर्सनालिटी कौन दी गई, 16 पर्सनालिटी फैक्टर, सील का गुणों की संख्या कितनी होगी? अब बताओ थे मन सील का गुण कहां है? वे गुण जिसे व्यक्ति का व्यवहार में क्या होता है व्यवहार का पता लगता है वह गुण सील गुण कहलाते हैं। लार कोली कौन देखियो बेटा रीट 2011 में आयोडो सवाल, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह कौन सा होता है? जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है लेकिन चीजा मन में ही रही जाए वेकट जार दबे इड में, इड में समझ में इड। ये 2011 में आया हुआ है लेवल सेकंड में। अगला सवाल हरियाणा टेट 2014 में आया हुआ सवाल कि बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण, बाल अंतर्बोध परीक्षण कौन था? ब्लैक ब्लैक था, बेलक बेलक, ये बेलक था। बाल अंतर्बोध परीक्षण बेलक ने दिया। चलो अब सवाल आयोडो है पीटी मायन है 2015 में आयोडो पीटी में सवाल, और सवाल कहाँ है थांको? सवाल केवे के अंतर्मुखी वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्मुखी आदमी रहे वे किम रुचि रखे? अन्य व्यक्तियों में, स्वयं में, सामाजिक कार्यों में, शारीरिक कार्यों में, स्वयं में, ठीक है मोस्ट इंपोर्टेंट। सवाल है यूपी टेट 2014 में आया सवाल कि आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी और आपका सामाजिक निर्भर, अंतर्मुखी। थर्ड ग्रेड 2013 में भी वो सेम सवाल पूछोड़े कि अंतर्मुखी व्यक्ति किस में रुचि रखता है? प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? आर टेट रीट जबकि बात थर्ड ग्रेड हुई ना, एरिक्सन, फ्रायड, पियाजे, थॉर्नडाइक। एरिक्सन, फ्रायड, सिगमंड फ्रायड, पियाजे, थॉर्नडाइक।
ट्राइड है, ठीक है, वो लिख लीजिए। प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्राइड ने किया, बार गुण लिखा हुआ। प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग मैंने कहा कौन लिखा रहा है, मैंने नहीं लिखा का प्रयोग सर्वप्रथम फ्राइड ने किया। वेरी इंपॉर्टेंट, और ऊपर लिख दीजिए 8/8/2012। चलो भाई अब आइयो सुष्मिताड़ो क्वेश्चन। अगला सवाल है टीएटी परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी थी फर्स्ट ग्रेड 2012 में, आयोडो सवाल टीएटी परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी इमा दियोडो 30, 10, 12, 25 30 क्योंकि वो एक हो देखो कहीं खाली हो कागज। अब जो ऑप्शन में 30 के साथ 31 दे दे जन पाछी 31 हो जी ऑप्शन क्या था। अच्छा यूपी टेट 2013 लेवल सेकंड में आयोडो सवाल कि टीएटी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में टीएटी का प्रयोग किया जाता है, बुद्धि व्यक्तित्व मूल्य दबाव। व्यक्तित्व मापन में क्या करें टीएटी को प्रयोग, थर्ड ग्रेड 2013 में आयोडो सवाल लियोपोल्ड बेलक था उसने किस परीक्षण को विकसित किया सीएटी टीटीसीटी आईबी आईबीटीआई और डीएटी सीएटी। अब थे हां सोच लियो के वो लियोपोल्ड बेलक है तो वो सीएटी परीक्षण कितना इंपॉर्टेंट है देखो ने बार बार आयोडो वो थर्ड ग्रेड 2013 में पूछे एक थर्ड ग्रेड 2013 में सवाल आयो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे सिगमंड फ्राइड थर्ड ग्रेड 2013 में पूछोड़ो सवाल। थर्ड ग्रेड 2013 में एक और सवाल आयो 16 पीएफ प्रश्नावली किसने बनाई वेरी गुड आरबी केटल ने 16 पीएफ प्रश्नावली बनाई ये भी थर्ड ग्रेड 2013 का सवाल है ठीक है। एक सवाल आया हुआ है फील्ड ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के रचयिता कौन थे गिलफोर्ड की लिखी हुई है फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। अगला सवाल लैटिन भाषा में पर्सोना शब्द का अर्थ है व्यक्ति व्यक्तिगत अपूर्ण या मुखोटा मुखोटा। पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा के मूल शब्द से लिया गया है अंग्रेजी रोमन जर्मन लैटिन लैटिन। व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है यह कथन किसने कहा वैलेंटाइन एडलर एरिक्सन वुडवर्थ। व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है यह कथन किसने कहा वैलेंटाइन है इसमें गिलफोर्ड। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक ये मेरी लिखाई हुई है फील्ड ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है ये लिख लो आप ये किसकी आपकी किसकी अरे लाड लो गिलफोर्ड बोलते रहो साथ साथ। फिर आ गया मनोविश्लेषण सिद्धांत का जन्मदाता फ्राइड। फिर आ गया कि ए तृप्त ए सामाजिक इच्छाओं का संबंध होता है इदम से। अच्छा एक और सवाल बालक अपने आप में मस्त रहने की प्रक्रिया को फ्राइड ने क्या कहा सिसिजम सिज्म नार्सिसिज्म वेरी गुड इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार है इदम अहम परम अहम सूक्ष्म अहम इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार इदम इदम हाँ इंद्रिय सुख मतलब शारीरिक इच्छा ठीक है। एक व्यक्ति में देवत्व है मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार यह किसके लिए प्रयुक्त है ईगो सुपर ईगो सुपर ईगो में। चलो ये थे आपके क्वेश्चन जो कि हमने किए डिस्कस। समायोजन में पूछूंगा एक थोड़ा ना समायोजन में पूछ लो ये तो व्यक्तित्व में पूछा हुआ
चलिए मैं यहाँ पे सवाल लिखता हूँ, कहाँ जा रहे हो? हाँ अच्छा, ना क्योंकि गर्मी है, गर्मी है, लाड़ लो गर्मी, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन है, अंगूर खट्टे हैं, ये किस प्रकार की युक्ति है? अंगूर खट्टे हैं, ये किस प्रकार की युक्ति है? ये रीड 2012 सवाल है, पहला है प्रक्षेपण ऑप्शन और बी है आपका तार्किकीकरण, सी है तादात्म्यकरण और दमन। प्रक्षेपण का मतलब होता है थोपना, ये युक्तिकरण और तार्किकीकरण औचित्य स्थापन एक ही चीज है, बी होगा। रीड 2012 माया सवाल, ये अंगूर खट्टे हैं फिर से आ गया। चलो कोई ना, लाट लो और देखा जाएगा, थोड़ा बहुत लिखोगे प्रतिभाशाली बालक में, 5 मिनट है अभी। नहीं है मन लिखने का, लगाओ हेडिंग प्रतिभाशाली बालक, लिख देते हैं 5 मिनट। लिखो वह बालक, वह बालक जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से, वह बालक जो शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं के आधार पर जाना है, वह बालक जो शारीरिक एवं मानसिक इच्छाओं के आधार पर, मानसिक शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं के आधार पर, यह लाइन तो मैंने पहले समझा दी थी आपको, क्षमताओं के आधार पर अन्य बालकों से श्रेष्ठ है। हाँ हेडिंग लगा के नए पेज से, हाँ उसमें ही नीचे ही नया हो गया, अरे कहीं लिख लो बस याद करो। हाँ अब नीचे 2-3 लाइन रहेगी तो नए से लगा सकते हैं, ऐसे प्रतिभाशाली बालक एक पेज में आ जाएगा, फिर पिछड़े एक में आ जाएगा। हाँ अरे जैसे व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, उन विभिन्नताओं के आधार पर आदमी पिछड़ा, समस्यात्मक, मंदबुद्धि ऐसे होता है। तो अब अपन ने पूरा व्यक्तिगत विभिन्नता समझ लिया इंट्रो, अब अपन पहले एक पेज में प्रतिभाशाली करेंगे, एक में मंदबुद्धि, एक में पिछड़े, ऐसे करेंगे। हाँ अब प्रतिभाशाली बाल को परिभाषाएं लिखेंगे, अब लिखो परिभाषाएं, प्रतिभाशाली बालक की क्या क्या परिभाषाएं, बालक की परिभाषाएं लिखो। अगला अपना है स्किनर एवं हैरीमैन, स्किनर एवं हैरीमैन, लिखो प्रतिभा स्किनर एवं हैरीमैन के लिखना, इसमें लिखो आप, लिखो प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग, प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग
शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों, 1% बालकों के नाम के आगे किया जाता है जो अन्य से श्रेष्ठ होते हैं। लाडलम छोका हुए जो अन्य से क्या होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है भाई, आज की सभा में इतना ही, बाकी का आनंद लेंगे कल। बराबर पढ़ते रहना, साथ के साथ याद करते रहना, है ना, वरना कोई मतलब नहीं है।